हाय गाइस, आई एम सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं सचिन तिवारी ग्रामर वीडियो। आज अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स का पार्ट 6 है। चलिए आज के हम कुछ वर्ड जान लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अगर नहीं लगती तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको मालूम पड़ सके वीडियो में कुछ दम है कि नहीं है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है चिक, CHICK। चिक, चिक मीन्स मुर्गी का बच्चा, और उसी से मिलता जुलता एक और शब्द है चिक। इसको हम चिक जल्दी से मुर्गे समझेंगे, चीक चीक। चीक मीन्स जो गाल होता है हमारा गाल, चीक। इसको ध्यान रखिएगा, बोलने का तरीका अलग है। मुर्गी का बच्चा वाला चिक और मुर्गी की अरे गाल के लिए चीक चीक बोलेंगे, ठीक। तो चलिए हम दूसरा वर्ड जान लेते हैं, HILL, हील। हील मीन्स पहाड़, HILL, हील। हील मीन्स पहाड़, इसी से मिलता जुलता शब्द है वर्ड। हमारा सेकंड वर्ड है हील। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे वही वर्ड है, हील और हील में अंतर है, लेकिन देखिए पहला वर्ड क्या था, हील, जल्दी से बोल देते थे हील। हील मीन्स पहाड़, और दूसरा है हील, HEEL मीन्स HEEL, हील। हील मीन्स स्वस्थ, सॉरी हील। हील मीन्स एड़ी, और उससे मिलता जुलता शब्द देखो और है HEAL, हील। हील मीन्स जख्म। देखिए ये हील पांच टाइप के होते हैं, मैं पांचों को बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए हील, हील मीन्स जख्म भरना, HEAL, हील। इसे हेल या फिर हेल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हील। ये भी नहीं कि हील फटाक से नहीं बोलना है, इसे बोलना है हील। हील मीन्स जख्म भरना। उसके बाद हमारा वही हेल, HEELL, हेल। हेल मीन्स नरक, इसे हील नहीं बोलेंगे, ये ई का साउंड नहीं है, इसमें ए का साउंड है, ए, ये है ए का साउंड, हेल। हेल मीन्स नरक, HEELL, और उसे से मिलता है दोस्तों अब देखो और है हेल, HALE, हेल। हेल मीन्स स्वस्थ, यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने हील की मैंने करीब आपको 1, 2, 3, 4, 5 मीनिंग्स बताए हैं, और पांचों के अलग अलग मतलब भी हैं, इसलिए ये वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि आपके सामने हो सकता है कोई बोले बोलना चाहता हो हील यानी पहाड़ के लिए, तो आप सोचते हो हील ईड़ी के लिए बोल रहा है या फिर बोल रहा है जख्म भरने के लिए, तो आप कुछ और सोचने लगे, इसलिए इन पांचों वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि कभी भी कोई सामने आए ऐसे वर्ड तो आप कन्फ्यूज ना हो। और हमारा आज तीसरा वर्ड है रीच, REACH, रीच। रीच मीन्स पहुंचना, उसी से मिलता है शब्द एक और है रीच, RICH, रीच। रीच मीन्स अमीर। और हमारा चौथा वर्ड है बेड, बेड। बेड मीन्स बिस्तर, जिसे आप बिस्तर बोलते हैं, बेड, BAD, और उसी से मिलता है तो शब्द है बेड। ये बेड नहीं है, बेड है, BED, बेड। बेड मीन्स बुरा, जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, बुरे, बुरा, बुरी, बुरा। और हमारा पांचवा और लास्ट वर्ड है वॉर्म, वॉर्म मीन्स कीड़ा, WORM, वॉर्म। वॉर्म मीन्स कीड़ा। देखिए वॉर्म की तरह एक और शब्द वर्ड है जो कि WARM से बना है, पर इसको प्रोनाउंस करते हैं वॉर्म। वॉर्म मीन्स गर्म। तो तीन आज की वोकैबुलरी काफ़ी नॉलेजफुल, अगर हाँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूले, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और अपने सभी दोस्तों के साथ कम से कम एक शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि उन्हें भी मालूम पड़ सके। अकेले अकेले मत पढ़िए, सब लोगों को भेजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।